देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली को लेकर आई बेहद ही बुरी खबर सामने, क्योंकि इस खबर में सच सामने आया है कि महिला आयोग ने कर दी है सख्ती और ले लिया है बड़ा एक्शन श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली के खिलाफ। जी हाँ, ये तो आप बात जानते हैं कि श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद में हर रोज कुछ न कुछ देखने को मिलता है। अब इसमें नेशनल कमीशन ऑफ विमन यानी कि NCW भी सामने आ चुका है। NCW ने महाराष्ट्र के DGP को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। हाल ही में श्वेता तिवारी ने और अभिनव कोहली ने अपने अपने दावे सच बताते हुए सोशल मीडिया के जरिए कुछ वीडियो शेयर की थी, जिसके बाद से NCW ने इस मामले पर दखल देने का फैसला लिया। बता दें कि NCW ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कमीशन ने इस कथित घटना से हैरान है और इस मामले को जानना चाहती है और साथ ही पूरा सच भी। चेयरपर्सन शर्मा रेखा ने DGP महाराष्ट्र को पत्र लिखकर मामले की तुरंत कार्रवाई करने को कहा और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने को भी कहा। बता दें कि कमीशन के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट अभिनव ने भी शेयर किया है। इस पर अपना पक्ष रखा है अभिनव ने लिखा, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरे बेटे को ढूंढने में और मुझे सौंपने में मेरी मदद कीजिए। DGP महाराष्ट्र से अनुरोध करें। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता तिवारी खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट लेने कैप टाउन पहुंची हैं। उनके पति अभिनव अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनव का आरोप है कि श्वेता तिवारी ने उनके बेटे रियांश को कहीं ना कहीं छुपा दिया है और इसी बात पर वो ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। तो ये है पूरी खबर, जहां पर अब श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली पर फिर से होगी कानूनी कार्रवाई और सुलझाया जाएगा मामला उनके बेटे रियांश को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।